पलामू जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3-4 सदस्यों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देश पर पांकी और मनातू थाना के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। जानकारी मिली थी कि ये उग्रवादी कारीमाटी जंगल के आसपास अवैध हथियारों के साथ मौजूद है और आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने, ठेकेदारों से लेवी वसूलने और संगठन का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने कारीमाटी जंगल में घेराबंदी करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान पुलिस ने जंगल में सखुआ के पेड़ के नीचे 3 संदिग्धों को देखा, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। पुलिस की टीम के नजदीक आते ही वे लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस बल की सूझबूझ और तेजी के कारण तीनों को धर दबोचा गया। इकट्ठा हुए थे कुछ घटना को अंजाम देने के लिए, तो इसी के सत्यापन के लिए एसपी ऑफिस और एसडीपीओ लेस्लीगंज के नेतृत्व में पांकी थाना प्रभारी और मनातू थाना प्रभारी और मिटार पिकेट का पांकी थाना का और मनातू थाना का सैट के जवानों को एक टीम बना दिया गया था और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पे कारीमाटी जंगल में जहां पे से सूचना मिल रहा था वहां पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो उसी दौरान 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। पहला जो है श्रवण उरा उर्फ हेमंत, ये ओरिजिनली रहने वाला है रोहतास बिहार का और वर्तमान पता है इसका इस्लाम नगर सदर थाना चतरा। दूसरा प्रेम गंजू, ये रहने वाला है बालूमाथ लातेहार का और तीसरा है संतु कुमार जो कुंदा चतरा का रहने वाला है। और इन लोगों के पास से हम लोगों को एक AK-47 हथियार, 7.62 mm जिंदा गोली और एक खोखा, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल और 7.62-65 mm का 4 जिंदा गोली और मोबाइल 2 और कुछ नक्सली पर्चा भी जो है।